नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अर्गो सुपरफास्ट सहित मु स्वप्ना आरंभ करबा खबर अभियान। चलित सप्ताह रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिबे अमेरिका। एही गस्त बेले मोदी भेटिबे अमेरिकार राष्ट्रपति जो बाइडेन को। व्हाइट हाउस पखिरु एने बैठक रे आनुष्ठानिक कार्यक्रम प्रकाश करा जायछि। 24 सेप्टेम्बर रे प्रधानमंत्री मोदी एवं राष्ट्रपति जो बाइडेन सेमानकर प्रत्यक्ष बैठक करिबे। पूर्वरु एही दुई नेता फोन रे वर्चुअल मोड रे बैठक करिसारछन्ति। हेले एबे मोदी एवं बाइडेन फेस टू फेस सेवाकु जाउछन्ति। दुई प्रमुख गणतांत्रिक देश नेतांक एही भेटघाट उपरे चालिछि रहिछि विश्वर नजर। प्रधानमंत्री मोदी एवं जो बाइडेन को सह द्विपाक्षिक आलोचना। आतंकवादर विपद एवं तथा आफगानिस्तान परिस्थिति आतंकवाद भली शत्रु सहित लड़ाई किपरि मिलित भावे कार्य करिपारिबो से विषय रे आलोचना होई पारे। अंतर्जातिक अर्थनीतिर चाइना को दबदबा को ह्रास करबा को होई पारे कूटनीति। पाकिस्तान एवं आतंकवाद को नै अमेरिका कोर्ट रे भारत करिपारे बड़ अभियोग। भारत और अमेरिका मध्यरे प्रतिरक्षा और सीमा सुरक्षा को नै होई पारे बड़ चुक्ति। सारा विश्व रे टिक्का पहुंचाइबा पई दुई देश आलोचना करिपारंती। यहसह सेप्टेम्बर 24 क्वाड बैठक में जोग देबे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन। प्रधानमंत्री मोदी व्यतीत ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा जोगदेव। से दिन मोदी आमेरिकार उपराष्ट्रपति कमला हारिस एवं आपल मुख्यमंत्री मुख्य टीम कुक साक्षात करार संभावना रही। अंपटे सेप्टेम्बर 25 प्रधानमंत्री मोदी मिलित जातिसंघ साधारण सभा को संबोधित करेंगे। देशर आवश्यकता पूरण परे वैक्सीन रो रप्तानी करा जिवो बोली केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सूचना देछंती। यहा सह स्वास्थ्य मंत्री कहिछंती केंद्र सरकार को वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम अधीन रे आसंता अक्टूबर मास परठारु देशर आवश्यकता पूरण परे पड़ोसी देश को रप्तानी करा जिवो। स्वास्थ्य मंत्री कहिछंती अक्टूबर मास रे देश को कोरोना वैक्सीन रो 30 कोटि डोज मिलबा को जाउछि। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, देश में पहली बार वैक्सीन का प्रोडक्शन या तो वैक्सीन का डोमेस्टिक रिसर्च ये दुनिया के साथ हुआ। पहले ये हुआ करता था, दुनिया में वैक्सीन आती थी उसके बाद 5 साल 10 साल के बाद इंडिया में आती थी। इस बार प्रधानमंत्री जी के समय सार लिए हुए एफर्ट के अनुसार देश में समय पर वैक्सीन कोविड वैक्सीन के लिए रिसर्च हुआ और दुनिया के साथ वैक्सीन आ गई। लगातार वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए प्रयास किया गया और उसका परिणाम ये आया कि ये महीने में मतलब सितंबर महीने में भारत सरकार को भारतीय कंपनियों ने बनाई हुई 26 करोड़ डोज मिलेगी। यहसह आगामी 3 मास रे 100 कोटी रु अधिक डोज मिलिबो। आमे वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम को आगो को बढ़ाइबो। एही कार्यक्रम माध्यम रे आमे विश्व को सहाय्य करिबो। यहसह देश रे वर्तमान सुधा 81 कोटी टीकाकरण होइतिबा स्वास्थ्य मंत्री सूचना देइछंती। शेष 10 कोटी टीकाकरण को मात्र 11 दिन समय लागतिबा से सूचना देइछंती। आखड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी देहांत। बाघमारी मठ से पंखार झुलंता अवस्था मृतदेह मिली। मृत्युर कारण अस्पष्ट रही। संदेहजनक अवस्था मृत्यु घटी अधिकारी सेपटे मठ को यातायात उपरे रोक लगाई दिया जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल में पहुंची तदंत कर बड़ संख्या में पुलिस बल घटनास्थल में मुतयन कर। पूरे समाज को इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इससे दूध का दूध पानी का पानी हो। दुर्घटना है तब भी जांच होनी चाहिए, सामान्य मृत्यु है तब भी जांच होनी चाहिए और जो कारण हो स्पष्ट हो इससे लोगों की भावना की पूर्ति हो सके। सेपटे महंत नरेंद्र गिरी निधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शोक व्यक्त कर। प्रधानमंत्री मोदी कहते महंत नरेंद्र गिरी देहावसान अत्यंत दुखद घटना।
आध्यात्मिक परंपरा प्रति समर्पित रहिबा सह संत समाज अनेक धारा को एका संगरे जोड़िबारे बड़ भूमिका ग्रहण करथिले। सेपटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य महंत नरेन्द्र गिरी देहांत में गभीर शोक प्रकाश कर सेप्टेम्बर 25 तारीख बेलू पूर्व केन्द्रीय तत्संलग्न उत्तर पूर्व बंगोपसगर आउ एक घूर्णवय सृष्टि होवार संभावना रही। घूर्णवय सृष्टि 24 घंटा पर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी ओडिशा उपकूल में पहुंच यार प्रभाव में 26 तारीख राज्य में प्रबल वर्षार संभावना रही। समय समुद्र अशांत रेणु समुद्र भितरक नजापी मत्स्यजीवी परामर्श दी एने सतर्क सूचना जारी कर भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पापा केन्द्र। पिपिली उपनिर्वाचन सोमवार आरंभ हो प्रचार एथपाई विभिन्न राजनैतिक दल बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस प्रार्थी माने वोटर मानक निकट में पहुंच वोट भिक्षा करजेडी प्रार्थी रुद्र प्रताप महारथी बीजेपी प्रार्थी अश्रित पटनायक को कांग्रेस प्रार्थी विश्वकेशन हरिचंदन महापात्र निज निज दलय समर्थकों सह कोविड कटकणा भितरे जोरदार प्रचार करिसेंती। बीजेडी प्रार्थी रुद्र महारथी निज पंचायत पाणी दोलरे निर्वाची प्रचार करिबा सह निज गांव खेरापड़ारे मध्य प्रचार करिसेंती। एथिपई तांको सह जोग देथिले पुरी लोकसभा सांसद पिनाकी मिश्र। सेहीपरि बीजेपी प्रार्थी आश्रित पटनायक पिपिली दांड मुकुंदपुर स्थित श्री गोपालजी आशीर्वाद नहीं प्रथम कर प्रचार आरंभ कर तेईसपुर जेनापुर पंचायत वोटर मान वोट भिक्षा करेस प्रार्थी पिपिली ब्लक ओरकल पंचायत आरंभ कर दलय प्रचार दलर वरिष्ठ विधायक सुरेश राउतराय पिपिली पहंच दलय प्रार्थी प्रचार करवाचन समस्त प्रार्थी आशावादी थे पिपिलीवासी का मुंडे ढाबे सुना कलस ता देखा अपेक्षा रहा। घर क्रिकेटरों पर खुशी खबर क्रिकेटरों मैच भी बढ़ाला बीसीसीआई। बीसीसीआई सचिव जय साहा सूचना देखते जय साहा ट्वीट कर 40 अधिक घर क्रिकेट मैच खेल खेलाड़ी को एणिकी मैच फी बाबत को 60,000 टंका मिल। 23 वर्ष कम खेलाड़ी को 25,000 और 19 वर्ष बयस सान खेलाड़ी को 20,000 टंका मिल। 2019-20 सीजन में भाग नहीं घर खेलाड़ी को कोरोना कारण स्थगित होता 2020-21 सीजन पर सहायता राशि भाव 50% अतिरिक्त मैच फी मिल। आज हेउछि पवित्र आश्विनी मास कृष्णपक्ष प्रतिपाद तिथि। आज अमावास्या पर्यंत 15 दिन धरी पितृपक्ष पालन करेथि जहां पितृपुरुष मृत्युवरण करिथांती सही तिथि श्राद्ध करिबार परंपरा रही। अपरपक्षे प्रत्येक गृहस्थ निजर पितृ पितामह उद्देश्य तर्पण करिथांती पितृपक्षर तीर्थ पुष्करणी तर्पण करने श्रीमंदिर 22 पहाचरे तिल तर्पण कले पितृपुरुष तृप्ति लाभ करिथांती बोली विश्वास रही। महानदी उपर मुंडे प्रबल वर्षा जो हीराकूद पा महानदी में आसी महानदी बन्या पा शाखा नदी राजुआ प्रवेश कर राजुआ नदी पा आसी खोर्धा ब्लक ओरबर सिंह ग्राम पंचायत 6 खंड गां 5 दिन धरी संपूर्ण पा घेर रही। ओरबर सिंह ग्राम पंचायत हिरीमूल दुर्गापुर डीहखला और रबत सिंह कृष्णपुर और रायपुर गां पा घेर रही। ओरबर सिंह गांव लोकों घर पा पशिव लोके असुविधा सम्मुखीन होती प्रशासन पक्षर् बना घेर लोकों पर सुखिला खाद्य पानीयल व्यवस्था करे बास्तव में ओरबर सिंह गांव लोकों पाखे प्रशासन पहुंच ना देखा मिली। कुचिंडा थाना जितिय राजपथ 49 नंबर खंडकटा भुवानी मध्य सैकेल बैक मध्य धक्का जड़े मृत जड़े गुरुतर होता सूचना मिली। सोमवार रात्रि रे खंडकोटा ठारु भुजानी जाउतबा समय रे बाइक आरोही भगवान पात्र और साइकिल आरोही मध्यरे धक्का होइतला। घटनास्थल रे उभय गुरुतर होई पड़िथिबा बेले ग्रामवासी पुलिस को खबर देथिले। पुलिस घटनास्थल रु दुई जनों को उद्धार करी कुचिंडा डाक्तरखाना रे भर्ती करथिले। चिकित्साधीन अवस्था रे बाइक आरोही पात्र मृत्युवरण करथिबा बेले साइकिल आरोही को स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर थिबा सूचना रहिछि। साइकिल चालक को पछरे धक्का देले बाइक आरोही मृत साइकिल चालक गुरुतर नीलगिरी मेडिकल रे भर्ती होती गुरुतर। नीलगिरी थाना पोड़ा सुल छक निकट में घटी दुर्घटना।
मिछ धरा परीक्षा हैला विद्या भारती पाखापाखि 4 घंटार परीक्षा देले विद्या भारती। डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा परे सौम्यों पत्नी लाइ डिटेक्शन टेस्ट खोली बड़ गुमर। सेपटे बिवाद रे क्राइम ब्रांच रे थिबा बेले डीएफओ विद्या भारती और रोसेया को गिरफ्त करने को दावी करिसेंती सौम्यों परिवार। सत्यासत बाहर करदेह थी से माने मिछ कही कि तर से भक्तभोगी अच्छा जदि काढ़े काढ़ु मोर किसी कहबार ना कि मोर आरेस्ट दरकार सत काढ़ पाखु आरेस्ट जमी हम से बाट करेंगे उपर सरकार चाप से मंत्री आने सब टा तो खाई ना आईने डरुंच चाकरी कौन पर डरुंच। राज्य में महिला हिंसा वृद्धि को नहीं बरसिला बीजेपी। महिला विरोधी अपराध नहीं सरकार को टार्गेट करीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंघार। लेखाश्री कहते तदंत बाटबणा करिबारे पुलिस प्रशासन पूरा माहिर। 2019 तुलन में 2020 ओडिशा रे महिला हिंसा वृद्धि पाई। महिला विरोधी हिंसा रे ओडिशा द्वितीय स्थान रही। राज्य में दुष्कर्म अपहरण और साइबर अपराध बढ़ी चलती बीजेपी तो जो भली भावरे लगातार महिलाओं को उपरे होतुवा निर्यातना रे शीर्ष स्थान रे रहिछि आउ दीर्घ दिन धरिकी एठी राजनीति करथुवा सरकार बिजु जनता दल ए सब मामला रे चुप रहुचंती आमे मानिबा को बाध्य होउचु जे ये राज्य सरकार को प्रोत्साहन रे अपराध बढ़िछि। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहिले अत्युक्ति हेबो नाही। राज्य सरकार का छत्र छायारे अपराधी बढ़ुचंती पढ़ुचंती एबे सर्वाधिक महिलांक उपरे होउतुबा अत्याचार रे देशरे दुई नंबर स्थान रे अछि। एभली गोटे डुबियस डिस्टिंक्शन ओडिशा पाइछि। ओडिशा सीमांत रे आंध्रर दादागिरी विरोध रे एकाठी हेले सह सह लोक। जिलापालंक ऑफिस सम्मुखरे धारणा देले अंचलवासी। आंध्र सरकारंक दादागिरी विरोध रे ओडिशा सरकार दृढ़ पदक्षेप नियंतु एवं सीमांत अंचलवासींकु समस्त मौलिक सुविधा जोगाई देबा पई दाबी करछंती सीमांतवासी। जिकु हमें गोटे बल पिचु रास्ता खंडे ना मेडिकल फैसिलिटी ना गोटे आम पी मान पाठ पढ़ार विद्यालय ना जहाँफल आम बाध्य आंध्र उपर निर्भर करुचु जहाँफल या आंध्र आम यार फायदा उठाऊ नहीं। वर्तमान जो आंध्र ओडिशा सीमा विवाद रही है बिवाद में ओडिशा सरकार जो भार साहस देखा कथा जो निजर दायित्व पूर्ण करी ओडिशा सरकार जदि से दिन ही जो मैंने दादागिरी देखा जो मैंने बेआईन भाव आसिक निर्माण करी रोकी था विरुद्ध में जब आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करते परिस्थिति आसी नाता बरम ओल्टा ये जो मैंने ओडिशार सीमापाई ओडिशार लोकों पर जो मैंने स्वर उत्तोलन करछ केस्रे भर्ती करा जाउछि। श्रीमंदिर भितर रत्न भंडार दीर्घ 44 वर्ष हेब खोला जाय नाही। एभली स्थले भितर रत्न भंडारे थिबा महाप्रभुंक स्वर्ण अलंकार सुरक्षित कि नाही से नै श्रीजगन्नाथ प्रेमी भक्तंक मध्यरे आशंका प्रकाश पाइछि। तुरंत रत्न भंडार खोलिबाकु दाबी होइछि। जे ट्रेजरी अफसर होंतु बा जे कलेक्टर होंतु जे होंतु आमे कहा ना कहुनु जे दाई तांको विरुद्ध पदक्षेप नै जाउ एवं रत्न भंडार सब अलंकार सुरक्षित रखा कहु ये नहवा पर्यंत जगन्नाथ प्रेमी मान मंदिर सन्देह हो भितर सब हड़प कर दि जाए कि ना से लुचेवाप बर्तमान विभिन्न बाहाना देखी रत्न भंडार खोलू ना। भुवनेश्वर सीएचसी ऑफिस आगे ड्रॉप आउट छात्री आत्महत्या उद्यम। उचित मूल्यायन दाबी हाथ काटी छात्री गुरुतर। त्रुटिपूर्ण मूल्यायन प्रतिवाद रे आत्महत्या उद्यम करिसेंती छात्री। दशम मार्क आधार युक्त दुई मूल्यायन दाबी करथिले छात्री। ये हाथ काटला भी सी चित्कार कर डाकुं तथा से मैंने कई बाहर को बाहर ना पाखापाखी अधघंटे बड़े हाथ काटिक ब्लड बोच तथा रही कि शुणान ना दावे रही है 10 क्लास बेसिक मार दिया तांको दाबी थिला जे तांको सहित कंट्रोलर ऑफिसर आसंतु तांको सहित तांकर केते डाउट अछि से कम से ताकू तांकर क्लियर करंतु किंतु से हाथ काटिए परे भी केही आसलेनी अध घंटे परे आसी पछि त हम तमरो से हॉस्पिटल गला परे तमरो कोन दाबी अछि। पूणी तातिले चासी धान बिक्री पई पंजीकरण रु बहु चासी को नाम बात पड़िबारु प्रतिवाद रे चासी माने खोरदा कंटिलो रास्तार बड़ बेरणा ठारे रास्तार कोइछंती। आवेदन करिथिबा प्राय 645 जन चासी को मध्यरु मात्र 417 जन को नाम पंजीकृत होइथिबा बेले 228 जन चासी बात पड़िछंती।
ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା କହି ଆସିଛି ଯେ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ହଟାନ୍ତୁ। ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଟେଇଲେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ ଧାନ କଥା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ, ସବୁ ଲୋକ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟିର ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ସେ ତା'ର ଜମି ନାହିଁ, ଧାନଟି ସେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନଥିଲା। ଆମେ 215 କି 20 ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦ ପଡ଼ୁଛୁ, ସେଥିରୁ ତେଣୁ ଆମର ଟୁକୁମ୍ବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ କହିବାରୁ ସେ ବି ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଠିକ୍ ଅଫିସ୍କି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଗୁହାରେ ଆଉ କାହାକୁ କରିବୁ। ଯେଉଁ ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ତ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏଇଆ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ପିଡ଼ିଆ ହେଉ ବା ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ କ'ଣ ଆମେ ଭାଇ ନୁହନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଆମ ବାପା ନୁହନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଆମର ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି? ବେଆଇନ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଜବତ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକାଇ ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। କରଞ୍ଜ ଆଡ଼ିଆ ରହିମପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଶତାଧିକ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ବସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ପୁରୁଣା କ୍ୱାର୍ଟର ମୂଲ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ପୁରୁଣା ଔଷଧ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ୱାର୍ଟରଟି ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଏକ୍ସପାରି ଔଷଧ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜୟପୁର ସହରଠାରୁ କେଇ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସୁଖିଆଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ପଡ଼ିନି ବିକାଶର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଆବାସ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜି ଯାଏ ଆମକୁ ସେ ଲିଷ୍ଟର କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିନି, ହେଲେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନାର ନିହାତି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ? 2017 ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଟିକେଲା ଗାଁ, ସେଇଟା କି ନାଇଁ ନେଇଥିଲାକୁ କିଛି ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆସିନି। ତାପରେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଆମ ଘର ଅଛି, ଯେତେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାହାଡ଼ର ବର୍ଷା ହେଲେ ପାହାଡ଼ ସବୁ ପାଣି କି ନାହିଁ ଆମ ଘରମାନଙ୍କୁ ପଶୁଛି। ଆରେ କେତେ ଜଣ 5 ଘର ନା 6 ଘର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲାକୁ ଆମେ ତହସିଲରେ ଯାଇଥିଲୁ। ତହସିଲରେ ଯାଇକିନା ଫଟୋ ଇଏ ଆଣିକି ଆଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଫଟୋ କାଢ଼ି ନେଲୁ। ତାପରେ ଜରି ଗୁଟଲା ଦିଆ ହେଲା, ଆରେ ଗୋଟେ 6 ମାସ ଗଲା ପରେ ତୁମର ଘର ଆସିବ, ତୁମକୁ ପଇସା ଆସିବ ଏତିକି ଲାଗ ବୋଲି କହିଲେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି ଏବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା। ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଉଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ, ଘରେ ଛାତ କଣା ହେଇ ପାଣି ଗଳିଲା, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗରୁ କେବଳ ଜରି ପାଲ ଟିକେ ମନ ବୁଝାଣିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ତାଙ୍କୁ ଘର ଆବାସଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିନି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅମ୍ବାଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଘ ଡଙ୍ଗରୀ ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଚଞ୍ଚଡ଼ା ନଦୀରୁ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଛତା ଓ ବ୍ୟାଗ୍ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଦିନ ଦୁଇପହରରେ ଘରୁ ଚୋରି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବେଲକୁଣ୍ଠା ରୋଡ୍ରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଘରେ ମହିଳା ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ଏକାକୀ ରହୁଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ଚୋରମାନେ ଘର ଭିତରେ ପଶି 3 ଭରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ନଗଦ 20,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତଲା ପରେ ବି ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି ଥାନା ଦହିଅଣ୍ଟା ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଯୁବକ। ଯୁବକ ଜଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଏନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ଥିଲେ। ତେବେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନି। ଯାହାକି ସେ ମୋ ଭାଇକି ସବୁବେଳେ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲା କି ଏତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛ, ମୋ ତମେ ତମ ଘରକୁ ଦେଉଛ, ଆମ ଘରକୁ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଚଳିବି, ମୋର ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି, ତମେ ଇଏ କରିଛି। ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଯାହାକି ମୋ ଭାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦେ, ରାତି 2-3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ବହୁତ ଟର୍ଚର କରେ, ହଇରାଣ କରେ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କରେ ତାକୁ। ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦେ ମୋ ଭାଇ, ତାପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଏମିତି କିଛି ଦୁଃଖ
ମାନେ ଏଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କିଛି ଦୁଃଖ ତାକୁ ଏତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ SMS କରିକି କି ପାଗିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁ ଖୁସିରେ ରହ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବୁଡ଼ି ଲେଖିକି ସିଏ ବିଷ ପିଇକିରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତର୍ପି ତର୍ପି ଆମକୁ ନ ଜଣେଇକିରି ସିଏ ମରିଗଲେ। 20 दिन परे मिलिला निखोज युवकों नर कंकाल गंजाम जिला पोलसरा थाना अंतर्गत मंदार ग्रामर 26 वर्षीय युवक कान्हू मल्लिक गत 26 तारीख ठू निखोज हो जाइथिले। 20 दिन परे मृत कान्हूर नर कंकाल उद्धार होइछि। पुलिस तदंत जारी रखिछि। आत्महत्या कौन कहे आत्महत्या से निजे करते कौन मोर तो किए विरोधी ना मुझे किसी असुविधा करें बहुत भल पिला କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀରୁ ହିଁ ସେ ରହିଯାଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ସେ ତ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ବହୁତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଛି। ଆଉ ସେ ତ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ତ ଏବେ କାଲି ପାଇଲୁ ଖବର। କେଉଁଠି କ'ଣ ପାଇଲେ, କେବେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲା? ହୋଇଥିଲା 25-26 ତାରିଖ। 26 ତାରିଖ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାବ ମାରାଣ୍ଡି ସୋମବାର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ବାହାନଡ଼ା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରଥମେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଡେଙ୍ଗାମ ଓ ହରିପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗସ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସମୟ ସରିଛି। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।